तो मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो यार थोड़ी मोटिवेशनल होने वाली नहीं है, क्योंकि यार मेरे मुंह में थोड़ा ना प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। दर्द होता है क्योंकि इधर घाव हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, चाहे आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो, क्योंकि इसमें मैं तीन पॉइंट के बारे में बात करूँगा। पहला कि हमें अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से क्या सच में फ़ायदा होता है, मैं आपको प्रूफ सही बताऊँगा। और दूसरा पॉइंट कि हमें 24 घंटे के अंदर कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी एक बंदे को प्रमोट करूंगा, उसके चैनल को अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। क्या कंडीशन है, क्या प्रोसेसर है, इन सभी के बारे में बात करूंगा वीडियो के आगे। तो चलिए वीडियो के आगे देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना यार, नहीं तो भी लाइक कर दो इच्छा हुआ तो आपकी। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से क्या फ़ायदा होता है, आप मेरे चैनल क्या यह स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसमें YouTube खुद बता रहा है कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से मेरे चैनल पे जो व्यूज है वो 292% बढ़ गया है। 10.5% नहीं, 292%। यहाँ आप खुद देख सकते हो, क्लियरली लिखा है, पढ़ सकते हो। तो आप अंदाज़ा ला सकते हो कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि आप ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में मत जुट जाना। आपको यह ध्यान रखना है कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करो ये बात अलग है, लेकिन वीडियो में कॉन्टेंट और क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस आपकी वीडियो से कुछ सीखे, आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो से इंजॉय करे। ठीक है, मेरे तो ऐसा नहीं कि आप 15 वीडियो अपलोड कर दो लेकिन वीडियो किसी काम का ना हो, तो आप कहोगे यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप कम ही वीडियो अपलोड कीजिए, कम ही वीडियो अपलोड कीजिए, दिन में एक ही वीडियो अपलोड कीजिए या दो दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन क्वालिटी और कॉन्टेंट के साथ। और बात करें कि हमें 24 घंटे के अंदर कितनी वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, तो आपको बता चुका हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपको अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको एक वीडियो अपलोड करनी है, अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर देना है। और दूसरा कंडीशन यह है कि किसी बंदे को, मान लो किसी की कॉन्टेंट ज़्यादा होता है कि जिसमें एडिटिंग ज़्यादा टाइम लगता है, या किस बंदे के पास टाइम नहीं मिलता, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर एक वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हो तो आपको 24 से 48 घंटे या फिर 40 घंटे के बीच में एक वीडियो अपलोड कर देना ही कर देना है। ऑडियंस के साथ एक्टिव रहना है, अपने YouTube चैनल के साथ एक्टिव रहना है। और तीसरा, अगर बात करूँ जो मेरे प्रमोशन की, जो मैंने प्रमोशन की बात किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस वजह से मैं आपको प्रमोट करूँगा, किस वजह से आपके चैनल को अपने कम्युनिटी में डालूंगा, कैसे डालूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को देखकर एक छोटा सा या फिर प्यारा सा कमेंट करना है। अब देखिए, मैं आपके कमेंट को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बंदे को जिसे मैं जानता हूँ उसी को प्रमोट करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं YouTube रैंडम कमेंट पिकर में जाऊँगा, उसमें किसी एक बंदे का वो ऑटोमेटिक बताएगा, तो एक बंदे को बताएगा, मैं ये देखूँगा वो बंदा सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, बाकी ये देखने पर अगर वो बंदा सब्सक्राइब किया है, उसका कमेंट अच्छा है, तो मैं उसे प्रमोट कर दूँगा, उसके चैनल को अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा। तो मेरे दोस्त, आप लेट मत कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका नंबर ही आ सकता है। आप अगर नए सब्सक्राइबर या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो ये मैटर नहीं करता, आप अभी सब्सक्राइब करेंगे तो भी आ सकता है। तो मेरे दोस्त, ये आपकी किस्मत की बात है, और मेरे दोस्त अभी किसे अभी कमेंट करो, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब से मेरा ये मुंह सही हो जाए, फिर मैं मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मेरे दोस्त हर बार सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप दिल से धन्यवाद आप सभी को।